गुरुजी ने कहा कि जो बेटा बेटी सरकारी नौकरी या किसी विशेष नौकरी की इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, किसी विशेष परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो उन्हें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, पढ़ाई पूरी करनी है, मेहनत भी पूरी करनी है। पूरी मेहनत के साथ साथ आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और जो थोड़ा बहुत से आप चूक जाते हो उसके लिए महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए आपको बेलपत्री और शहद वाले महापुराण का बहुत ही अचूक उपाय करना है। न जाने कितने करोड़ों बच्चों ने, बेटा बेटियों ने ये उपाय करके अपने एग्जाम में सफलता पाई है। आप अगर रोज शिव महापुराण की कथा सुनते होगे तो आपको देखने को मिलता ही होगा कि कितने सारे ऐसे पत्र आते हैं जिन पत्रों में इस उपाय का उल्लेख होता है कि उन्होंने इस उपाय को किया है और महादेव की कृपा उन पे प्राप्त हुई है और जिस भी कारण से वो थोड़े थोड़े चीज़ों से चूक रहे थे वो महादेव ने उनके राहों के कांटों को दूर कर उन्हें उनके एग्जाम में परीक्षा में सफलता दिलाई है। तो आप भी इस उपाय को अपने पेपर देने जाने से पहले एक बार अवश्य करके देखें। मात्र एक बेलपत्री और थोड़ा सा शहद लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको अपने हथेली पर उस बेलपत्र को रख लेना है। फिर आपको बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा शहद लगा लेना है। सिर्फ और सिर्फ बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर ही आपको शहद लगाना है। फिर उसके बाद आपको अपने उस एग्जाम का स्मरण करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग पर उस बेलपत्री को चिपका देना है। गुरुजी ने कहा कि आपको महादेव से निवेदन करना है कि आपके राह में जो अड़चने आ रही है, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो महादेव उसमें अपना आशीर्वाद दें। और फिर आपको यह विश्वास रखना है कि महादेव आपके साथ है और आपको अपनी परीक्षा के लिए चले जाना है। श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको निश्चित ही उस परीक्षा में सफलता मिलती है, कोई भी आपको उस पेपर में फेल नहीं कर सकता है। आपका पढ़ाई, आपकी मेहनत और शिव जी पर किया हुआ ये विश्वास, ये उपाय आपको कभी भी अपने जीवन में असफल होने नहीं देता है। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। एक बार आप अपने जीवन में इस उपाय को करके अवश्य देखें। अगर आपको आज की सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी विराम दिवस की कथा की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस कथा का आस्वादन कर अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।